सुप्रभात प्यारे भैया बहनों, मैं ममता सुरारी हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा विषय काव्यखंड है, जिसमें हमारा प्रकरण कविता के बहाने, जो कि कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता है। कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता कविता के बहाने इस प्रकरण के अंतर्गत हमारे दो भाग हैं। बच्चों, पहले भाग में कविता के बहाने और जो दूसरा भाग है उसमें है बात सीधी थी पर। हम यहाँ पर प्रकरण कविता के बहाने के कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसके भाव को समझेंगे। कवि कुंवर नारायण सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे द्वारा रचित तार सप्तक के तीसरे तार सप्तक के अग्रणीय कवि हैं। कवि कुंवर नारायण नई कविता आंदोलन के प्रसिद्ध कवि। कवि कुंवर नारायण आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखकर हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान बनाने वाले। प्रस्तुत कविता कविता के बहाने में कवि कुंवर नारायण ने जब हिंदी काव्य के अंतर्गत आलोचकों ने अपनी कविता के अस्तित्व हेतु कुछ शंकाएं व्यक्त की कि वर्तमान युग यांत्रिक युग है, तकनीकी का युग है, इस तकनीकी युग के दौर में क्या कविता अपना अस्तित्व बचा पाएगी, क्या उस अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएगी, क्या कविता का वर्चस्व स्थिर रह पाएगा, इस प्रकार के अनेक प्रश्न जो है शंकाजन्य प्रश्न उपस्थित हुए। और इन समस्त प्रश्नों के निदान हेतु, इन शंकाओं को दूर करने हेतु कवि कुंवर नारायण ने कविता के बहाने कविता के माध्यम से इन शंकाओं को दूर करते हुए यह बताया है कि कविता का अस्तित्व कैसा है, सर्वत्र है, व्यापक है। और यहाँ पर यह जो कविता है कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से संकलित है। तो कविता की पंक्तियों को पढ़कर उसके भाव को हम समझेंगे। देखें, कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं। भैया बहनों, कविता शब्द से आशय, कविता अर्थात कवि के हृदय में उत्पन्न भाव, उसके भाव, उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, जिन सब विचारों को, जिन सब भावों को समायोजित करके कवि अपने भावों को व्यक्त करता है, वह क्या है, कविता है। तो कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की जो उड़ान है, उसकी जो दूरी है, उसको चिड़िया के बहाने व्यक्त तो किया जा सकता है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया क्या जाने। वह चिड़िया जिसके उड़ने की एक निश्चित समयावधि होती है, निश्चित दूरी होती है, वह चिड़िया उस कविता के उड़ान को क्या जाने, जो सर्वव्यापक है, जो विस्तृत है। बाहर कहाँ तक उड़ती है चिड़िया, बाहर भीतर इस घर उस घर, एक निश्चित समयावधि तक ही चिड़िया अपनी उड़ान कर सकती है, अपनी उड़ान भर सकती है, उड़ सकती है, लेकिन जो कविता की उड़ान है वह क्या है, विश्वव्यापी है। आगे कवि कहते हैं, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा, कवि के हृदय जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं वह कैसे हैं, अनंत है, व्यापक है, पल भर में कभी किसी बात, जैसे कहा गया है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब कवि की जो विचारधाराएं हैं वह कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। इस प्रकार से कविता के पंख लगा उड़ने के माने, अब कविता अपनी उड़ान किस प्रकार से विस्तृत हो सकती है, व्यापक हो सकती है, यह जो है चिड़िया क्या जाने, वह चिड़िया क्या जाने जिसकी उड़ान एक निश्चित होती है, निश्चित समयावधि तक ही चिड़िया अपनी उड़ान भरती है। भैया बहनों, सौंदर्य बोध की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस पद में चिड़िया क्या जाने, क्या जाने, संपूर्ण पद में प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सरस और प्रभावयुक्त है। इसका जो अगला चरण है, अगले वीडियो में हम जानेंगे।